चाहिए। वो तब आपको समझ में आती थी, तब आप बच्चे बनाते नहीं थे खाने। हमने मिक्स करने हैं अब इस पोटैटो के अंदर चीज। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, शेफ़ टीवी की तरफ से आपका मेज़बान जैसे एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। और हम एक नई और बहुत ही मज़े की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि रमज़ान है और ये सीरीज़ है काफ़ी डिफरेंट है। एक बार कोविड में हमने किया था जब हम बंद हो चुके थे घरों में, उस टाइम अम्मी के खानों की एक सीरीज़ की थी। तो अभी फिर से हम लोग करने वाले हैं रमज़ान कुकिंग सीरीज़, इसे क्या कहते हैं, रमज़ान ट्रांसमिशन, रमज़ान कुकिंग सीरीज़ या जो भी है। और इसमें कुकिंग आपका भाई नहीं कर रहा होगा, इसमें हमारी जो मास्टर शेफ़ हैं वो है माहा। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक हूँ। एक्साइटेड? यस। क्या क्या बनाने वाले हैं हम इस रमज़ान कुकिंग सीरीज़ में? बहुत सारा कुछ, बहुत सारा कुछ। अभी हम देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। कुछ चीज़ें आप लोगों की फरमाइश पे भी आ सकती हैं। आप लोग क्या देखना चाहते हो, मतलब क्या किस चीज़ की रेसिपी आनी चाहिए वो है मोस्टली हमें पता है कि जैसे वो मटन फॉयल, चीज़ केक और वो वाली चीज़ें हमें पता है, बट वी वांट टू नो कि आप और क्या चाहते हैं। शुरू करें जी फाइनली इस एक मज़ेदार सीरीज़ को। बिस्मिल्लाह करते हैं। रमज़ान आपका हमारे साथ साथ गुजरेगा, कुछ मज़े मज़े की चीज़ें बनाएंगे। महा ने कुछ चीज़ें बनानी होंगी और उन चीज़ों को मैंने क्रिटिसाइज़ करना होगा। आहा हा, मज़ा आएगा। चलो आप, ये आया जी मैदे में रोल हुआ। यार ये तो बड़ा मजे का काम है। वो अंडे में डाला ही नहीं, सॉरी अंडे में भी तो डालना था। तो ये हमारा रमज़ान कुकिंग शो का पहला एपिसोड है, तो मैंने सोचा आपको जरा किचन टूर करवा दिया जाए कि हमारा किचन सेटअप इस सीरीज में क्या होने वाला है। ओके जी, सो ये ब्यूटीफुल किचन और हमारे साथ हमारी मास्टर शेफ और यहाँ पे हमारे पास लाइट सेटअप आ गया सारा, उसके अलावा कैमरा और फिर से एक कैमरा भी यहाँ पे आने वाला है जो इस टाइम मेरे हाथ में है। खैर ये एक सिंपल हमारा सेटअप है। यहाँ पे आपके मास्टर शेफ एंड क्रिटिक होंगे। देखती जाओ मैं आपके खानों का करता क्या। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हमारा किचन इस टाइम रेडी है और मेरे सामने इस टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चीज़ें। क्या बनने वाला है? चिकन क्रॉकेट्स। आप जरा अपनी सीट संभाले। बड़ा बेसिक सा इसका वो है, रेसिपी है। ठीक है। सिंस मैं खुद बड़ा प्रेफर करती हूँ कि इजी गोइंग चीज़ें हों, ठीक है, मैं चीज़ें भी वैसी शेयर करूँगी ताकि आप लोग अपनी इफ्तारी में बना सकें। मतलब इफ्तारी से घंटा पहले भी अगर करना चाहें तो इजीली बना लें। हाँ बना सकते हैं। क्या क्या है हमारे पास? हमारे पास चिकन है मिंस्ड, आप श्रेडेड चिकन भी ले सकते हो। ओह माय गॉड, मिंस्ड एनु कीमा आंदे ने कीमा, चिकन का कीमा है आधा किलो, लेकिन आप श्रेडेड चिकन भी ले सकते हैं अगर आपके पास ये अवेलेबल। और हमने इसमें आधा किलो अभी पोटैटोज भी डाले हैं। तो और क्विक रेसिपी है ये, क्विक रेसिपी, इजी एंड क्विक, इजी एंड क्विक। ठीक है, मतलब मैं अगर आज एक दफा देख लूं तो मैं बना सकता हूं। हां आई थिंक यस। चलो करें स्टार्ट। चलें स्टार्ट करते हैं। अब हम लोगों ने सबसे पहले अपना प्याज लेके चूल्हा बाल देना है। ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੁੱਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਗੈਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟਾਈਮੋ ਟਾਈਮ। ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਨੋ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੜ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੇ ਗੈਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਚੁੱਲਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਚੁੱਲਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਇਹ ਚੁੱਲਾ ਬਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਚੁੱਲਾ ਬਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਚੁੱਲਾ ਬਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਆ ਗਿਆ ਚਮਕਤਾ ਧਮਕਤਾ ਆਇਲ। ਹਾਂ ਲੈ ਜੀ, ਆਇਲ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਵਿੱਚ। ਹਮ ਇਸਮੇ ਆਇਲ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਤਨਾ ਬਸ ਕਿ ਹਮਾਰਾ प्याज सही से फ्राई हो जाए। ओ गया सी, ओ गया सी। ये 1 मीडियम साइज चॉप्ड अनियन है। ओके, मीडियम टू लार्ज साइज। इसको ओ ये इस तरफ भी तो एक चीज पड़ी है, ये भी हमें बाद में चाहिए। ये छुपा के रखा हुआ है महाने। हाँ। कुछ यहाँ पे ये भी हमें बाद में, उसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए। ठीक है, मुझे इसकी वजह से ना ये फैंसी लाइट इधर एक लगेगी, इसकी वजह से मुझे ऐसे खड़े होना पड़ता है क्योंकि मैं अगर सीधा होता हूँ उसके बीच में लग जाता हूँ। मुझे इंतजार है कि कब कीमा ऑयल के अंदर जाएगा और कब वो जो छुपी हुई चीज़ पड़ी है वो दिल। ये हमारे पास गार्लिक है। ठीक है, अगर आपको गार्लिक का मतलब ऐसे चॉप गार्लिक अपने खाने में नहीं पसंद, कुछ लोगों को नहीं पसंद होते ना, तो वो गार्लिक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं इसकी रिप्लेसमेंट में। लेकिन हम लोगों को पसंद है। चलें जी, अभी इसके अंदर क्या जा रहा है? प्याज में पहले क्या क्या डाला? मुझे स्टेप याद नहीं हुए, मुझे बताएं जरा। हमने ऑयल डाला, प्याज डाला, फिर उसके बाद लहसुन डाला, उसको थोड़ा सा गोल्डन किया। उसके बाद हम लोगों ने आधा किलो चिकन डाल दिया। ओए होए होए, ये गया कीमा जो कि ऑलरेडी बॉइल्ड है। ओके, क्योंकि हमने इसको फ्राई नहीं करना, हम फ्लेम बिल्कुल मीडियम कर देंगे। ये देखो अभी महा गई है साइड पे, तो ये जो मैंने ये 1 और ये 2 चमचे हिलाए ना, असल जायका यहाँ पे आया क्योंकि इसके बगैर जायका आ नहीं सकता। जब तक मैं चीज़ में चमचा ना हिला दूँ जायका आ नहीं सकता बीच में। ठीक है, ओए होए होए, खुशबुआँ उड़ रही हैं जी, खुशबुआँ उड़ रही हैं। ओके, अब हम इसमें 1/2 टेबलस्पून ऑफ रेड चिली फ्लेक्स, लाल रत्ती सुरख मिर्चा। यस। क्या कूटी हुई मिर्च या कौन सी मिर्च? रेड फ्लेक्स है ना ये। हाँ चिली फ्लेक्स हैं जी। हाँ। चिली फ्लेक्स। अब हाफ टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर। हाफ नहीं, आपने दो दफा हाफ डाल दिया। ए की मतलब उन्होंने वही चीज दसो जेड़ा तुसी कर रहे हो। नहीं हाफ है वो, मैंने सही से कर नहीं ना। अच्छा ठीक है। और सॉल्ट, मुझे आई यूज टू हेट वो वाले शोज जिसमें कहते थे सॉल्ट टू टेस्ट, बट हाँ सॉल्ट टू टेस्ट ही होना चाहिए। वो तब आपको समझ में आती थी, तब आप बच्चे बनाते नहीं थे खाने। सॉल्ट टू टेस्ट का मतलब यही है कि भाई हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका। मुझे जो असल इंतज़ार है ना, वो इंतज़ार है, वो जो चीज़ वहाँ पे पड़ी हुई है ना, वो कब काम आएगी, क्योंकि मैं असल वेरी चीज़दार। हमें नमक और चाहिए यार। आप मेरा सारा फ्रेम जो है ना, वो मेरी स्पॉटलाइट सारी ले रही हो। हाँ, मैदा या नमक? मैदा कितना? 2 टेबल स्पून। ये टीस्पून हैं, तो मैं इससे अपनी मर्जी से डाल। यार मुझे ये बड़ा इख्तलाफ है ख़वातीन से, ये चीज़ें अपने हिसाब से डाल देती हैं। अब आपने ये कितना डाला है, मुझे क्या समझ आया? टीस्पून है और टेबल स्पून आप? मैंने अंदर क्वांटिटी मेजर करके रखा हुआ है ना, तो मैं इसलिए मुंह से बता रही हूँ। इससे क्या होगा वैसे? मैदे से क्रिस्पी हो जाएगा? नहीं, ये जुड़ जाएगा ना, उसको उसकी शेप के लिए जरूर डाल दें। ये क्या था, आप बताया नहीं? मैं बता रही हूँ भाई। हाफ कप ऑफ दूध डालना है इसमें। ये मैं मिक्स करता हूँ। अच्छा जी, हाफ कप ऑफ दूध आ गया इसमें। अभी हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। वाह वाह, क्या बात। ये तो बिल्कुल वो टिक्की तरह बन गया दूध के साथ। यस, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड, क्योंकि हमने इसको एक शेप देनी है और वो फ्राई जब हो तो वो फ्राइड फॉर्म में भी अपनी शेप में रहे, तो इस वजह से अभी हमने 2 से 3 मिनट तक इसको ऐसे से करते रहना ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। हमने मीडियम फ्लेम रखा हुआ है और हम फ्लेम तो बहुत ही मीडियम है। चलो इसको ट्राई करते हैं कि कैसा बना है। आपका काम है बनाना, मैं बताता हूँ इसमें क्या कमी कोताही है। वो डालनी है ना, ठीक है वहाँ बिल्कुल ये। हाँ, क्योंकि अभी हमें आलू में नमक मिर्चें डालनी है ना, अभी तो बिल्कुल बस मिर्चें हैं सिर्फ इसके अंदर। हाँ, अभी अब मिक्स करना है मैश्ड पोटैटोस को जो बॉइल्ड है ऑलरेडी विद। हमने अब मिक्स करना है इस मैश्ड पोटैटो। इतने लो जज्बात क्यों है भाई? यार क्या है आपको? ऐसे बोलो, हमने मिक्स करने हैं अब इस पोटैटो के अंदर चीज। अब हम लोग इसमें हरा धनिया डालेंगे। हाँ, हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया ऐसे करके हमने इसमें हरा धनिया डाला और फिर हमने इफ्तारी का इंतजार किया। वैसे रोजा खुल चुका है, हम आफ्टर इफ्तारी बना रहे हैं। तुसी किते को हैं इफ्तारी का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन खाई जाते पे ने इफ्तारी गुजर चुकी है। अब इसमें मैश पोटैटोस हमने बॉइल्ड वाले रखे हुए ना, इसमें हमने धनिया डाला, हरा धनिया डाला और हमने हाफ टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट डाला और अब हमने हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट, हाफ टी स्पून ऑफ ब्लैक पेपर। और अब ये ये मेरा फेवरेट पार्ट है। हमारे पास चीज है, कौन सी? मोज़रेला या चेडर? बोथ मिक्स है। यस, एक प्याली yes. हम इसमें मोज़रेला ते चेडर चीज दी मिक्स पावांगे। ये ले जी, चीज हमारी जा रही है। अब इसमें इस चीज को मिक्स भी मैं ही करूंगा, ठीक है। हमने 1 टीस्पून ऑफ ऑयल डालना है जस्ट फॉर द सेक कि ये मिक्स हो जाए। ओके, सो इस सारे मिक्सचर को मिक्स करने के लिए हमारे पास ये क्या बोलते हैं इसको? चॉपर। हमारे लिए तो चॉपर बाइक्स होते हैं भाई। अच्छा, ये इसमें जा रहे जी पोटैटो, चीज़, सॉल्ट, हरा धनिया और क्या, ऑयल और क्या था, काली मिर्च, नमक, ये सारी चीज़ें इसके अंदर जाएंगी ताकि चीज़ जो है वो आलू के अंग अंग में बस जाए जाके। एग्जैक्ट, ठीक है जी। ये जो हमारा मिद्दा हुआ चिकन है, ये भी ये विच पा देंगे। यस, क्योंकि मिद्दा चिकन मिद्दे आलूआं दे नाल बहुत मिद्या जाएगा तो कम टैट हो जाएगा। अच्छा जी, जदों ये सारा चंगी तरह मिधिया गया ते आपस विच उन्हां ने जफियां पा लईयां ने ते ओदे बाद इहदे विच आ रहे ने जी 2 स्लाइस ब्रेड दे। तो ये हमारे पास आ चुका है ब्रेड मिक्स होने के बाद पूरा मिक्सचर, जो कि कुछ इस तरह का दिख रहा है। और मैंने इसको टेस्ट ऑलरेडी कर लिया है चमची से निकाल के। बहुत बहुत मजे का मिक्सचर है ये। सारा मिक्सचर निकाला जाएगा बाहर। अच्छा, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे फ्रीज़र में मिक्सचर को रख सकते हैं फॉर 30 मिनट्स या फिर 1 घंटा, उससे मिक्सचर सेट हो जाता है। लेकिन अभी हमारे पास, क्योंकि हमने क्विक रेसिपी बनानी है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो हम ब्रेड क्रम्स और डाल देंगे, उससे मिक्सचर सेट हो जाएगा। ठीक है। और ये कितनी ब्रेड्स का जरा दोबारा से ब्रेड क्रम्स हमने बनाए 3 स्लाइसेस डाले। अच्छा जी, तो इसके अंदर ब्रेड क्रम्स और आ गए ताकि वो स्टिकी ना रहे और इजीली उसका जो है वो हाथ से आप उसकी शेप बना सको। यस। अब आप इसको मिक्स करो। ओए होए होए, हाथ से चीज को मिक्स करना मेरा फेवरेट काम है। अंगूठियां लानियां पै जानियां ने अज, क्योंकि तुम्हारा भरा आ गया मैदान च। ये चेक करो भाई। अच्छा, अब आप इसमें अपनी लज़्ज़त डाल रहे हैं। मैं इसमें डाल रहा हूँ जायके, टेस्ट। अब मिक्स ना कर देना। अब हमें अपने हाथ ऑयल से अपने हाथों को ग्रीस करना है, पोर्शन लेना है इसका। इसको हम क्रॉकेट्स की शेप देंगे। आप वैसे कोई भी शेप दे सकते हैं, हम लोग इस फॉर्म में दे रहे हैं। ओके, सो भाई भी लगा लेते हैं हाथों को थोड़ा सा ऑयल। ओए होए होए होए, क्या बात है। ये चेक करो, शेप चेक करो। इतने बुरे से बनाया है। ये बुरा है? हाँ, कहाँ से? ये नगेट नहीं है हमजा। तो ये देखो ना यार, आप लोग खुद बताओ मैंने शेप सही बनाई है या नहीं। ये कबाब लग रहा है, इतना बड़ा बेसूरा। बस वैसे ही ना खवातीन को होती है कि हमारी जरा कुकिंग के अंदर कोई अटेंशन ना हासिल कर ले, हमसे कोई जीत ना जाए। माँ की फरमाइश पे मैंने साइज थोड़ा क्रॉकेट का छोटा कर दिया। अभी भी बदसूरत सा बना। ओ बस बस बस, कहीं ऑडियंस ये ना कह दे कि हमजा ने ज्यादा अच्छी शेप बनाई है क्रॉकेट्स। ओके जी, हमारा फैसला ये हुआ है कि महा उसकी शेप बनाती जाएगी और मैं जो है इसके अंदर बेसन के अंदर उनकी कोटिंग करता जाऊंगा। मैदा, बेसन क्या है? मैदा 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 भाई मैदा। एम ही मतलब एक छोटी छोटी गलते। अंडा फेंटने के लिए हमें एक चम्मच चाहिए। ओए होए होए होए, महा आपने कितने बना लिए? 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अभी तो मिक्सचर बहुत बड़ा है। हाँ, तो अंडे में नमक डाल दें। नो। हर स्पाइस जो हमने इसमें यूज किया है वो आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एडजस्ट कर सकते हो। अच्छा जी, मैदे में आएगा, मैदे से अंडे में आएगा, अंडे के बाद हमारे पास यहाँ पे ब्रेड क्रम्स हैं। ब्रेड क्रम्स में ये देखो जी, ए मैं कढ़िया अंडे के पिछों अंडा जरा निचोड़ लेना आपा, और एक हाथ से ब्रेड क्रम्स, दूसरे हाथ से ब्रेड क्रम्स लगाना है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, समझा गई? ठीक हो गया। ये आया जी, मैदे में रोल हुआ। यार ये तो बड़ा मजे का काम है। वो अंडे में डाला ही नहीं, सॉरी, अंडे में भी तो डालना था। ये हमारे पास आया इसमें, और इससे हम डालेंगे यहाँ पे ऐसे। लो जी, एक और हमारा रॉकेट रेडी हो गया। अच्छा जी, इस तरफ आप क्या करने वाली हो? हम ऑयल डाल रहे हैं फॉर फ्राइंग। ओए मेरी कमर दोरी हो गई, मजाक तो लावा इन्हां दी कोटिंग कर करके। औरतें काम करती भी बहुत हैं तो काम चकदियां भी बहुत ने। सही बात नहीं की मैंने यार। बस एक रह गया, 3 रह गए, आप कर लो। यार मेरा काज ज्यादा है, मेरा इस तरह खड़ा होकर मेरी कमर चुवाट पे गई, मेरे से सीधा नहीं हुआ जा रहा। आप ऐसे से करके कर लो। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे पास क्रॉकेट्स हमारे जो है वो रेडी हो चुके हैं। अब सिर्फ इनका काम रह चुका है फ्राई होने वाला। आहा, जब ये फ्राई होने हैं और तले जाने हैं, ओए होए मजे आ जाने हैं। ओके जी, सो हमारा सारा मिक्सचर रेडी है, और मिक्सचर नहीं बल्कि हमारे क्रॉकेट्स ही रेडी है, सिर्फ फ्राई होना बाकी है। और हमारे एक और टीम मेंबर हमारे साथ आ चुके हैं, इनवाइट किया जाए महा, बिहाइंड द सीन्स वाले। ये हमारी अलिशबा है। चलो बताओ आप कौन हो? हाँ हाँ, इसमें शर्माने वाली क्या? और मैं बहुत शरारती दानी बच्ची हूँ, बच्ची तो हूँ ही नहीं, सॉरी, ये तो मैंने गलत बोल दिया। मैं बाजी से बहुत प्यार करती हूँ। जल्दी से इसको किसी वो डीप पैन में नहीं होना चाहिए था। नहीं नहीं, अच्छा इसमें ठीक है। हाँ। अभी फ्राई होने शुरू हो चुके हैं। अलिशबा खुशबू आ रही है, अलिशबा बहुत ज़्यादा। चलो जी, अभी ये बस बन जाने 5 मिनट के अंदर अंदर। बिल्कुल वैसे बहुत ही क्विक रेसिपी है यार ये। हाँ यार, चलें जी, अब हम इसके फ्राई होने का वेट करते हैं। फ्राई होने का वेट, और बीच में से कुछ निकलते हुए ब्राउनी ब्राउनी नजर आ रहे हैं। एक असल जायका आप डालना है इसके अंदर, जब मैंने इसको मोड़ना है ना इस तरह से। एंड फाइनली महा की मेहनत रंग लाई है। लड़की के पानी पीने की स्पीड से आपको पता लग चुका है। हमारे क्रॉकेट्स हमारे सामने रेडी हैं, और क्या रॉकेट्स, रॉकेट्स क्या ही खूबसूरत लग रहे हैं। और साथ में जरा कैचअप, कैचअप। हाँ जी, रेडी? यस रेडी। टेस्ट करूं? टेस्ट करूं। जे ना चंगा होया बता देना, जे ना चंगा होया बता देना, मैं झूठ नहीं बोलता, सच सच। ठीक है, स्टार्ट। यस। ओके, महा का दिल स्टिम कर रहा, धक धक। नहीं 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 कर रहा, धक धक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केचप का जायका बहुत अच्छा है। हाँ। ओह 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 ओह, आपने सच में 2 बाइट्स में खा लिया। ऑनेस्टली, नो झूठ, नो मजाक, नो मुंह तारीफ। इतना उसका गुई वो एक टेक्सचर है जिसमें चीज, पोटैटोज, फिर उसके अलावा एक वो एक पूरी जो है ना वो फील आ रही है, मुंह के अंदर जाके घुल रहा है, साथ में एक फ्राइड क्रिस्पी वो फील बहुत मजे की चीज़ है। आप लोगों ने घर में ट्राई करनी है, ट्राई करने के बाद हमें बतानी है कि कैसी लगी। समझ गए? ओके जी ख़वातीन हज़रात, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी करें। भाई को और माहा को अपनी दुआओं में याद रखना है और हमें प्लीज सजेस्ट करें कि आपको किस टाइप की रेसिपीज चाहिए so that we can पहले से अपने वाली तो बना लीजिए, उधर बेच रमजान गुजर जाना सारा, लेकिन फिर भी आप लोग बता देना कि आप लोगों को क्या देखना है। खैर वीडियो खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज।